तो बड़ी खबर, सुनील तिवारी को हाईकोर्ट से जमानत दे दी गई है। आपको बता दें कि यौन शोषण के आरोप में जेल में बंद थे और अब उन्हें जमानत दे दी गई है। बाबूलाल मरांडी के सलाहकार हैं और आदिवासी लड़की के साथ यौन शोषण का आरोप था उनके ऊपर। यौन शोषण के आरोप में जेल में बंद थे और अब उन्हें हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। और आरोप लगने के बाद सियासी पारा चढ़ गया, पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर हमलावर हो गए। तो यौन शोषण के आरोप में जेल में बंद सुनील तिवारी को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। बाबूलाल मरांडी के सलाहकार हैं सुनील तिवारी। और जैसे ही यह मामला प्रकाश में आया था, बाबूलाल मरांडी सुनील तिवारी के पक्ष में खड़े नजर आए थे। कई बार उन्होंने ये कहा था कि इस आरोप से सुनील तिवारी का कोई लेना देना नहीं है। उत्तर प्रदेश से सुनील तिवारी की गिरफ्तारी हुई थी, फरार चल रहे थे लगातार, और यूपी से इनकी गिरफ्तारी संभव हो पाई थी। और सुनील तिवारी को बड़ी राहत हाईकोर्ट से मिली है, जमानत दे दी गई है। सुनील तिवारी को हाईकोर्ट से जमानत मिली है, यानी आज का दिन सुनील तिवारी के लिए राहत की खबर लेके आया है। हाईकोर्ट से जमानत दे दी गई है, यौन शोषण के आरोप में जेल में बंद हैं सुनील तिवारी। बाबूलाल मरांडी के सलाहकार सुनील तिवारी, जिन्हें हाईकोर्ट से जमानत दे दी गई है। और आदिल हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। आदिल, सुनील तिवारी को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है, सुनील तिवारी के लिए राहत की खबर। जी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो सुनील तिवारी को हाईकोर्ट से जमानत दे दी गई है। सुनील तिवारी को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है यौन शोषण मामले में। जेल में बंद हैं सुनील तिवारी, बाबूलाल मरांडी के सलाहकार। और आपको बता दें कि सुनील तिवारी को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है, यूपी से गिरफ्तारी हुई थी, जेल में बंद है, हाईकोर्ट से अब जमानत मिल गई है। यौन शोषण के मामले में जेल में बंद है, बाबूलाल मरांडी के सलाहकार हैं। और आदिल हमारे सहयोगी हमारे साथ एक बार फिर से फोन लाइन से जुड़ गए हैं। आदिल, सुनील तिवारी को हाईकोर्ट से जमानत दे दी गई है, सुनील तिवारी के लिए राहत भरी खबर। सुनील तिवारी को आज सुनील तिवारी की बेल पर सुनवाई हो रही थी, उनका यौन शोषण का आरोप है, जबकि राजेश कुमार की अदालत ने उन्हें आज बेल दे दिया। कोर्ट ने उन्हें साक्ष्य अभाव में बेल दिया है। अभी मामले की सुनवाई चल ही रही है, इसमें आगे और क्या होता है जैसी जानकारी मिलती है अपडेट दिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आदिल तमाम जानकारी के लिए। तो बाबूलाल मरांडी के सलाहकार सुनील तिवारी को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है यौन शोषण मामले में। सुनील तिवारी हाईकोर्ट में गए थे और वहां से उन्हें जमानत मिल गई है। जेल में बंद थे सुनील तिवारी और उन्हें अब हाईकोर्ट से जमानत दे दी गई है।
पर आपको बताया कि सुनील तिवारी को जमानत मिल गई है। जी हां, यौन शोषण के आरोपी हैं सुनील तिवारी, जिन्हें जमानत मिली है हाईकोर्ट से। यौन शोषण के आरोप में वो जेल में बंद हैं। पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी के सलाहकार हैं सुनील तिवारी। 6 महीने तक राज्य से बाहर रहेंगे सुनील तिवारी, पुलिस की अनुमति के बाद ही राज्य में प्रवेश कर सकेंगे। यौन शोषण के आरोप में जेल में बंद है सुनील तिवारी, आपको बताएं, लेकिन हाईकोर्ट से जमानत मिली है सुनील तिवारी को और 6 महीने उन्हें राज्य से बाहर रहना होगा। 6 महीने तक राज्य से वो बाहर रहेंगे और 6 महीने के बाद पुलिस की अनुमति अगर नहीं मिली तो वो नहीं आ सकेंगे, पुलिस की अनुमति के बाद ही वो राज्य में प्रवेश कर सकेंगे। तो एक बड़ी राहत जरूर मिली है सुनील तिवारी को, क्योंकि हाईकोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई है। और सीधे रुक कर लेते हैं अपने सहयोगी आयुष का, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आयुष, सुनील तिवारी को राहत तो जरूर मिली है, हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है, हालांकि ये भी एक उनके लिए दिक्कत है कि 6 महीने तक उन्हें राज्य से बाहर रहना पड़ेगा और जब तक पुलिस की अनुमति ना हो, पुलिस परमिशन ना दे, वो तब तक एंटर नहीं कर सकते झारखंड में। जी आरती, देखिए राज्य के लिए सबसे बड़ी खबर होगी कि जो कह सकते हैं जिस पे लगातार राजनीति हो रहा था, पक्ष विपक्ष हावी था, कि जो दुष्कर्म और जो यौन शोषण के आरोपों से घिरे सुनील तिवारी हैं, उनको जो है हाईकोर्ट से राहत मिली है और जो कह सकते हैं कि अदालत ने उन्हें आपको जमानत मंजूर कर लिया है, उन्हें जमानत मिल चुकी है और कुछ दिनों में वो कोर्ट से बाहर आ जाएंगे। जिस तरह से लगातार पुलिस ने कई प्रयास किए और यूपी के इटावा से उन्हें गिरफ्तार करके लाई, कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जेल भेजा गया और इसके पूर्व भी उन्होंने अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। इनकी पत्नी ने कोर्ट में जो है जनहित याचिका दायर करके ये कहा था कि ये पूरा मामला राजनीतिक प्रेरित है, इसमें जो है सीबीआई जांच होनी चाहिए थी। तो उस पक्ष के लिए कह सकते हैं प्रार्थी की ओर से सुनील तिवारी की कोर के लिए एक बड़ी खबर है कि उन्हें बेल दे दिया गया है और अदालत ने जो शर्त रखी है वो काफी कह सकते अलग है, ये आमतौर पर ऐसा देखा नहीं जाता है, क्योंकि पीड़िता पे कोई दबाव नहीं बनाया जा सके, उसे केस में कह सकते हैं किसी तरह को डिस्टर्ब करने की कोशिश ना हो, इसको देखते हुए अदालत ने उन्हें 6 महीने राज्य से बाहर कर दिया। उन्हें कहा कि जब कार्रवाई से जुड़े जब मामले होंगे, पुलिस उन्हें सूचित करेगी, तभी वो राज्य में प्रवेश कर पा सकेंगे। और साथ ही साथ उन्हें ना ही मोबाइल नंबर बदलने की अनुमति दी गई है, ना ही मोबाइल, यानी कि अगर उनका मोबाइल खराब भी हो जाएगा तो उन्हें तत्काल रूप से उसे बनाना पड़ेगा। साथ ही साथ मोबाइल नंबर उन्हें 24 घंटे चालू रखना होगा। ये तमाम चीजें देखिए जिस तरह से जो हमने कल भी ये खबर चलाई थी कि लगातार ये मामला चला रहा था और कल भी इस पे है फिजिकल सुनवाई हुई थी, क्योंकि झारखंड हाईकोर्ट जो है अब कह सकते हैं 4 अक्टूबर से मामले की सुनवाई फिजिकल कर रहा था, तो कोर्ट में ही सुनवाई चल रही थी और सुनवाई के दौरान जो कल है स्टेट और जो एप्लीकेंट है, जो प्रार्थी है सुनील तिवारी की ओर से बहस पूरी कर ली गई थी, आज जो है पीड़ित पक्ष की दलील पेश होनी थी, तो ये सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान पीड़ित पक्ष ने जो केस डायरी में क्या कुछ है वो जानना चाहा और उसे पढ़ा। साथ ही साथ आपको बता दें जो अपीलार्थी की ओर से यानी सुनील तिवारी की ओर से जो पक्ष रख रहे थे वो जो वरीय अधिवक्ता और पूर्व महाधिवक्ता के रूप में जो आर एस मजुमदार हैं, उन्होंने पक्ष रखा और कई बातें पीस की। उन्होंने कहा कि सुनील तिवारी पर जो आरोप मढ़े गए हैं, जो लगाए गए हैं या जो सामने हैं, वो पूरी तरह से राजनीतिक प्रेरित है, क्योंकि कई ऐसे जो मामले हैं इसके पूर्व जिसे अगर अदालत झांकती है तो काफी कुछ सामने आएगा, तो उसी ग्राउंड बेसिस पे उसी को आधार बनाकर उन्हें बेल दी गई आरती। और मैं समझता हूं कि आज जो दिन है शुक्रवार का, अगर उन्हें कल तक जो है अगर मान लीजिए कि बेल बॉन्ड पहुंचता है वो कल तक आ पाते ही नहीं, तो फिर वो सोमवार को ही जो है जेल से बाहर आ सकेंगे आरती। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आयुष तमाम जानकारी के लिए आपका। तो सुनील तिवारी को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है, यौन शोषण के आरोपी सुनील तिवारी जिन्हें जमानत मिली है, यौन शोषण के आरोप में फिलहाल वो जेल में बंद है, अब बेल बॉन्ड उन्हें भरना होगा। अगर बेल बॉन्ड भरा जाता है कल, देखिए शुक्रवार तक अगर बेल बॉन्ड भर दिया जाता है तो उन्हें जमानत, वो जेल से बाहर आ पाएंगे, वरना उन्हें सोमवार तक का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इस बीच आपको ये भी बता दें, भले ही उन्हें जमानत मिली हो लेकिन अगले 6 महीने उन्हें राज्य से बाहर रहना पड़ेगा और जब 6 महीने के बाद पुलिस की अनुमति होगी तभी वो झारखंड में प्रवेश कर सकेंगे।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।